नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं हिमांशु और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। बेबाक खबर, तेज असर। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। बिजनौर लोकसभा क्षेत्र में आने वाले पुरकाजी विधानसभा क्षेत्र के रामपुर तिराहा पर बीजेपी आरएलडी गठबंधन प्रत्याशी चंदन चौहान के चुनाव कार्यालय का उद्घाटन पुरकाजी विधायक व कैबिनेट मंत्री अनिल कुमार और चंदन चौहान ने संयुक्त रूप से फीता काट कर किया। पुरकाजी विधानसभा क्षेत्र की जनता ने चंदन चौहान को माला पहनाकर स्वागत किया एवं जीत दिलाने का भरोसा भी दिलाया। अपने संबोधन में मीरापुर लोकसभा क्षेत्र से बीजेपी आरएलडी गठबंधन प्रत्याशी चंदन सिंह चौहान ने कहा कि जितने भी पुरकाजी विधानसभा क्षेत्र की जनता है उन सभी का घर हमारा कार्यालय है। उन्होंने पुरकाजी विधानसभा क्षेत्र की जनता से आह्वान किया है कि वह बिजनौर लोकसभा क्षेत्र में चुनाव की डोर अपने हाथ में ले। उन्होंने 4 की संख्या का गणित बताते हुए भी कहा कि 4 तारीख को ही उनका टिकट हुआ और 4 नंबर लोकसभा से ही टिकट हुआ एवं मशीन में भी 4 नंबर पर ही निशान आया है और 4 जून को ही फैसला आएगा। चुनाव कार्यालय उद्घाटन के दौरान कैबिनेट मंत्री अनिल कुमार एवं पूर्व विधायक प्रमोद उटवाल, राष्ट्रीय लोकदल जिला अध्यक्ष संदीप मलिक, सहारनपुर मंडल अध्यक्ष प्रभात तोमर, भाजपा नेता सुदर्शन बेदी आदि पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता व पुरकाजी विधानसभा क्षेत्र की जनता मौजूद रही। लोकदल के गठबंधन प्रत्याशी के रूप में यहाँ मुझे आशीर्वाद देने के लिए आए, मैं सबका धन्यवाद आभार व्यक्त करता हूँ और आशा करता हूँ इस चुनाव की बेला को प्रत्येक कार्यकर्ता अपना चुनाव मान के इस लोकतंत्र के पर्व में अपना बड़ा योगदान देने का काम करेंगे। क्षेत्र में घूम रहे हैं, किस तरह की हलचल देख रहे हैं? बहुत ज्यादा उत्साह है और विश्वास है, जो सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास सबका प्रयास के नारे को धरातल पे लाने आए। चुनौती आदरणीय जयंत चौधरी जी ने, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में दी है हम सबको, उसे हम पूरी ताकत के साथ पूरा करने का प्रयास करेंगे। 4 की संख्या का आपने गणित नहीं बताया, किस तरह गणित है 4 का? सब सच्चाई है, संजोग है, ये ईश्वर का संजोग है। ये 4 तारीख को टिकट हुआ था, 4 नंबर लोकसभा से हुआ और 4th नंबर पे ईवीएम में निशान आया और 4 तारीख को रिजल्ट आ रहा है, तो ये संजोग ईश्वर ने दिया है। इसे कर्म से हम, कर्म प्रधान हम मानते हैं, इसे पूरा करने का काम करेंगे। वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का, कल फिर होंगे हाजिर कुछ नई और ताजा खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत, नमस्कार। हमारे यूट्यूब और फेसबुक चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब करना ना भूलें।